नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज के लेसन में देखते हैं बॉलीवुड के गानों में माइनर स्केल्स कैसे यूज किए गए हैं। मैं आपको गानों के एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा और जहां जहां मैंने लेसन्स पोस्ट किए हैं मैं आपको उन लेसन्स के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने हाल ही में एक लेसन पोस्ट किया था मेजर स्केल्स पर, आप उस लेसन को ज़रूर देखें। मैंने उसमें कई तरीके के मेजर स्केल्स दिखाए थे जो कि बॉलीवुड के गानों में यूज़ किए गए हैं और मैंने कुछ थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझाए थे। आप उस लेसन को देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आज के लेसन को समझने में आसानी भी होगी। तो पिछले लेसन में जैसे हमने सारे स्केल्स सी मेजर पे देखे थे और बाकी कॉर्ड्स चेंज करते चले गए थे, आज के लेसन में हम सारे सी माइनर पे देखेंगे। और पहले की तरह मैं वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स और हिंदुस्तानी स्वर दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए और आपको समझने में तकलीफ हो तो मुझे आप मैसेज करें, मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो पहला स्केल देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये हम सी पर शुरू करेंगे। तो इस स्केल में ये नोट्स होंगे, इसे वेस्टर्न म्यूजिक में नेचुरल माइनर स्केल भी कहते हैं और हिंदुस्तानी रागों में बहुत से राग हैं जिनमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि राग आसावरी, उसमें ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए नोट्स देखते हैं और उनके साथ कौन कौन से कॉर्ड जाएंगे वो देखते हैं। और मैं तीन कॉर्ड यूज करूंगा, आप इनके अलावा और भी कॉर्ड यूज कर सकते हैं। पहला नोट है सी यानी कि सा, इसमें हम सी माइनर पर जाएंगे। दूसरा नोट ई यानी कि शुद्ध रे, इस पर हम बी फ्लैट मेजर पर जाएंगे। तीसरा नोट ई फ्लैट, इस पर हम वापस सी माइनर बजाएंगे। तो सा रे कोमल गा मा, इस पे हम एफ माइनर बजाएंगे। पा सी माइनर यानी कि सी डी ई फ्लैट एफ जी ए फ्लैट, इस पर हम वापस एफ माइनर बजाएंगे यानी कि ये आप कोमल धा कोमल नी, इस पे हम बी फ्लैट बजाएंगे यानी कि ये आपका बी फ्लैट नोट है। और सी, इस पर हम वापस सी माइनर बजाएंगे। तो उल्टा लेके चलते हैं, ये बहुत ही कॉमन माइनर स्केल है और आपको इस पर बहुत से गाने मिल जाएंगे। मैंने जिन पर लेसन पोस्ट किए उसमें कुछ अब याद आ रहे हैं, कोई रोको ना फिल्म प्रियतमा, तुम आ गए हो फिल्म आंधी, और भी कई एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं उन एग्जांपल्स को बताने के पहले मैं आपको एक और स्केल दिखाता हूँ। तो इस स्केल में नोट्स हैं सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा शुद्ध नी और सा सी डी ई फ्लैट एफ जी ए फ्लैट बी और सी। तो इन पे कौन कौन से कॉर्ड बजा सकते हैं वो भी देखते हैं। सी पर यानी कि सा पर सी माइनर, डी पर जी मेजर, ई फ्लैट पे सी माइनर, एफ पे एफ माइनर, पा सी माइनर, ए फ्लैट पे एफ माइनर, बी पर बी मेजर और सी पर सी माइनर। इसको बैकवर्ड लेके चलते हैं, इसे वेस्टर्न म्यूजिक में हार्मोनिक माइनर स्केल कहते हैं और ये नोट्स आपको राग किरवानी में मिल जाएंगे। और ये स्केल भी बहुत से गानों में यूज किया जाता है। तो इसके पिछले स्केल में और इस स्केल में फर्क ये है, वो नेचुरल माइनर स्केल में कोमल नी है और इस स्केल में यानी कि हार्मोनिक माइनर स्केल में शुद्ध नी है। बहुत से गाने आपको मिलेंगे जो कि दोनों स्केल्स को यूज करते हैं और गाने के बीच में कभी शुद्ध नी कभी कोमल नी यूज करते हैं। और आपको जो मैंने अभी कॉर्ड दिखाए थे तो इन दोनों स्केल में सी माइनर तो कॉमन है ही, एफ माइनर भी कॉमन है, लेकिन पहले वाले स्केल में हमने बी फ्लैट मेजर बजाया था और दूसरे वाले स्केल में जी मेजर बजाया था। और आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनमें ये दोनों प्रोग्रेशन यूज किए गए हैं। अभी हाल में ही मैंने एक लेसन पोस्ट किया था मेरी भीगी भी इसी फिल्म अनामिका से, उसका ओरिजिनल की बी फ्लैट माइनर था। तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कैसे एफ मेजर भी यूज किया है और ए फ्लैट मेजर भी यूज किया है। तो दोनों कॉर्ड्स आप बजा सकेंगे, वो इसलिए चूंकि गाने में शुद्ध नी और कोमल नी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं, एक और याद आ रहा है फिल्म आंधी से, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, वो जो है सी माइनर में ही था। उसमें आप देखेंगे मैंने बी फ्लैट भी यूज़ किया है और जी भी यूज़ किया है। और इसके अलावा बहुत से गाने ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनमें गाने के बीच में माइनर स्केल से मेजर स्केल चेंज आ जाता है फिर वापस माइनर में भी चला जाता है। जैसे कि अभी हाल में मैंने पोस्ट किया था ओ हसीना जुल्फो वाली फिल्म तीसरी मंजिल से, उसमें आप देखेंगे ओरिजिनल शायद जी माइनर था
तो जो मुखड़ा है उसमें हम जी माइनर यूज़ कर रहे हैं, एफ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गाने के अंतरे में जी माइनर की जगह जी मेजर यूज़ किया गया क्योंकि उसमें गा जो है वो कोमल से शुद्ध हो जाता है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर से हम सी से शुरुआत करेंगे। तो इस स्केल में नोट्स हैं सी यानी कि सा, डी यानी कि शुद्ध रे, ई फ्लैट यानी कि कोमल गा, एफ यानी कि मा, जी यानी कि पा, ए यानी कि शुद्ध धा, बी फ्लैट यानी कि कोमल नी, और वापस सी यानी कि सा। कॉर्ड्स देखते हैं, सी पर सी माइनर, डी यानी कि रे पर बी फ्लैट मेजर, ई फ्लैट यानी कोमल गा पर वापस सी माइनर, एफ यानी मा पर एफ मेजर, जी पर वापस सी माइनर, ए पर वापस एफ मेजर, बी फ्लैट पर बी फ्लैट मेजर और सी पर वापस सी माइनर। उल्टा लेके चलते हैं, इस स्केल को वेस्टर्न म्यूजिक में डोरियन स्केल या डोरियन मोड कहते हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आपको कुछ राग मिलेंगे जिनमें ये नोट्स हैं, राग काफी, राग भीम पलासी, और गानों में बहुत से गाने हैं, मैंने इन पे लेसन्स पोस्ट किए हैं, जाने जा फिल्म जवानी दीवानी, तनहा दिल, शान का गाया हुआ गाना, और अभी हाल में ही पोस्ट किया था गुलाम अली साहब की गजल फिल्म निकासे, चुपके चुपके रात दिन। तो चलिए और एक माइनर स्केल देखते हैं। इस स्केल में जो नोट्स हैं वो है सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, यानी कि सा, कोमल रे, कोमल गा, मा पा, कोमल धा, कोमल नी, सा। चलिए कॉर्ड्स देखते हैं आप इसमें कौन कौन सा कॉर्ड्स बजा सकेंगे। सी पर सी माइनर, बी फ्लैट पे बी फ्लैट माइनर, आप वैसे डी फ्लैट मेजर भी बजा सकते हैं, ई फ्लैट पे वापस सी माइनर, F पे F माइनर, G पर C माइनर, A फ्लैट पे F माइनर, B फ्लैट पे वापस B फ्लैट माइनर और C C माइनर। ये जो अभी आपने स्केल देखा इसको वेस्टर्न म्यूजिक में फ्रिजियन स्केल या फ्रिजियन मोड कहते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में राग भैरवी में ही आपको नोट्स मिलेंगे। वैसे जो अभी मैंने आपको कॉर्ड दिखाए थे वो बाकी सब एग्जांपल्स के साथ कंसिस्टेंट रखने के लिए, बराबर रखने के लिए मैंने सी पर एक कॉर्ड, एफ पे एक कॉर्ड और बी फ्लैट पे एक कॉर्ड बजाकर दिखाया था ताकि आपको फर्क पता चल सके। लेकिन जनरली जो इस स्केल पर गाने आधारित होते हैं अगर वो सी माइनर में हैं तो उनमें आपको सी माइनर, डी फ्लैट मेजर और ई फ्लैट मेजर ये तीन कॉर्ड्स मिलेंगे। तो यानी कि अगर मान लीजिए ए माइनर में हो तो आप ए माइनर, डी माइनर और जी माइनर बजा पाएंगे, लेकिन जनरली जो है गाने अगर ए माइनर में बने हुए हैं और कोई स्केल में बने हुए हों तो उनमें आपको ए माइनर, बी फ्लैट और सी मेजर तीनों कॉर्ड्स मिलेंगे। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। मान लीजिए गाना ए माइनर में है तो बहुत से गाने बने हैं स्केल पे, मैंने कुछ लेसन्स पोस्ट किए हैं, एक दो याद आ रहे हैं अभी, राजू चल राजू फिल्म आज़ाद से, किसी नज़र को तेरा फिल्म एतबार से, और भी बहुत से गाने हैं, चिंगारी कोई भड़के फिल्म अमर प्रेम, मिले सुर मेरा तुम्हारा जो कि टेलीविज़न पर गाना आता था, और धूम मचाले धूम फिल्म धूम से। तो आप स्केल को ट्राई करें और जो मैंने कॉर्ड्स आपको दिखाए इनके साथ आप बजा के देखें, आपको अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए और एक माइनर स्केल देखते हैं। स्केल में नोट्स हैं यानी कि सी, सा, डी शुद्ध रे, ई फ्लैट कोमल गा, एफ यानी कि मा, जी यानी कि पा, ए यानी कि शुद्ध धा, बी यानी कि शुद्ध नी और फिर सी। तो देखते हैं इन पर आप कौन कौन से कॉर्ड्स बजा सकते हैं। सी यानी कि सा पर सी माइनर, डी यानी कि शुद्ध रे इस पर हम जी मेजर बजाएंगे, ई फ्लैट यानी कि कोमल गा इस पर वापस सी माइनर, एफ यानी कि मा इस पर हम एफ मेजर बजाएंगे, जी यानी कि पा इस पर सी माइनर बजाएं, आप जी मेजर भी बजा सकते हैं, ए यानी कि शुद्ध धा इस पर आप एफ मेजर बजाएं,
बी यानी कि शुद्ध नहीं, इस पर आप जी मेजर हो जाएं और वापस सी, इस पर आप सी माइनर, तो इसको उल्टा लेके चलते हैं। तो इस स्केल को वेस्टर्न म्यूजिक में मेलोडिक माइनर स्केल बोलते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में राग पटदीप में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुत गाने नहीं बने हैं स्केल पर, एक याद आ रहा है अभी फिल्म शर्मिली से, मेघा छाए आधी रात। तो जो आपको मैंने नोट्स दिखाए थे यानी कि ये सी डी ई फ्लैट एफ जी, ये जो जी नोट है इसको अगर आप अपना पहला नोट बना लें तो ये जो मेजर स्केल है बहुत ही पॉपुलर स्केल है जो कि बहुत से गानों में यूज़ किया गया है। मैं आप मेरे मेजर स्केल्स के लेसन को देखें, मैं आपको उसका लिंक जरूर दूंगा। उसमें मैंने सी मेजर में बजाया था, तो कॉर्ड थे सी मेजर, बी फ्लैट मेजर और एफ माइनर। उसी को आप ट्रांसपोज कर दें तो वो जी में अगर आप बजाते हैं तो जी मेजर, एफ मेजर और सी माइनर हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि आप इन्हीं तीन कॉर्ड्स को लेके जो है अगर आप सी को टॉनिक नोट बना के चलें तो वो आपका सी मेलोडिक माइनर स्केल हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज हमने कौन कौन से स्केल्स देखे। पहला स्केल था ये आपका सी माइनर यानी कि सी नेचुरल माइनर था। दूसरा ये आपका सी हार्मोनिक माइनर है। ये आपको मैंने अभी भी दिखाया सी मेलोडिक माइनर। ये आपका डोरियन मोड। ये आपका फ्रिजियन मोड। तो अभी तक जितने आपने स्केल्स देखे इन सब में सात नोट्स थे। वैसे तो और भी माइनर स्केल्स हैं जो कि गानों में यूज किए गए हैं। एक और स्केल मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेंटाटोनिक स्केल है। आप मेरे मेजर स्केल्स के लेसन को देखें, उसमें मैंने भोपाली राग पर जो बेस्ड पेंटाटोनिक स्केल है वो दिखाया था। उसमें यानी कि सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, पा, शुद्ध धा और सा था। और अगर आप इसी स्केल में गा जो नोट है यानी कि जो शुद्ध था उसको आप कोमल कर दें तो वो आपका माइनर स्केल हो जाएगा और आपके नोट्स हो जाएंगे सा, शुद्ध रे, कोमल गा, पा, शुद्ध धा और सा। ये बहुत पॉपुलर स्केल है। इसके जो नोट्स हैं आपको राग शिवरंजनी में मिल जाएंगे। बहुत से फेमस गाने बने हुए हैं इस पे। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सी यानी कि सा, ई फ्लैट नोट और जी नोट, इस पे आप सी माइनर बजाएंगे। ये जो नोट है शुद्ध धा यानी कि ए, इस पे आप एफ मेजर बजा सकते हैं। उसके अलावा आप सी माइनर सिक्स भी बजा सकते हैं। और ये जो नोट है डी, इस पर जनरली लोग जी मेजर ही बजाते हैं। इस स्केल में बनाए गए गानों पर मैंने बहुत से लेसन पोस्ट किए हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, फ्रॉम मेरा नाम जोकर, मेरे नैना सावन बादो फिल्म महबूबा, बहारो फूल बरसाओ फिल्म सूरज, ये सारे गाने शिवरंजनी में ही बने हैं। शिवरंजनी में प्राय जितने भी गाने बने हैं सब में गा, कोमल और शुद्ध दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखेंगे मेरे नाना सावन भादो, वो भी गाना जो है सी माइनर में ही था। गाने के बीच में कई बार सी माइनर से सी मेजर हो जाता है। और इस तरह से बहारो फूल बरसाओ में जो कि ए फ्लैट माइनर में है, आप देखेंगे गाने में कई जगह ए फ्लैट मेजर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो और भी बहुत से गाने हैं, फिल्म प्यार झुकता नहीं से, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, फिल्म एक दूजे के लिए से, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन, फिल्म 20 साल बाद से, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो आप स्केल को बजा के देखें और ये जो मैंने कॉर्ड दिखाए इनको आप साथ में बजाएं, आपको अच्छा लगेगा। और भी कई बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत से गाने बने हैं जिनका माइनर स्केल से शुरुआत होता है और आगे जाके वो मेजर स्केल में चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने लेसन के शुरू में बताया था ओ हसीना जुल्फों वाली फिल्म तीसरी मंजिल, इस पे मैंने लेसन पोस्ट किया है। ऐसे कई गाने बने हैं और ऐसे भी बहुत गाने हैं जिनमें दो तीन तरह के माइनर स्केल्स यूज़ किए गए हैं। जैसे मैंने एक लेसन हाल ही में बनाया था किसी नज़र को तेरा फिल्म एतवार से, तो गाने के शुरुआत में जो है फ्रिजियन मोड यानी कि राग भैरवी पे जो नोट्स बेस्ड हैं उन पर कॉर्ड्स बनाए गए हैं। तो गाना शायद एफ माइनर में है और आप देखेंगे कि गाने की शुरुआत में मैंने एफ माइनर कॉर्ड, जी फ्लैट मेजर कॉर्ड और ए फ्लैट मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन आगे जाके देखेंगे मैंने सी मेजर या फिर सी सेवन्थ यूज़ किया है और बी फ्लैट माइनर भी यूज़ किया। तो आप देखेंगे गाना जो है फ्रिजियन मोड में शुरू होता है और आगे जाके हार्मोनिक माइनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक लेसन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिल्म आज़ाद से राजू चल राजू, बहुत ही बढ़िया गाना है ये। इस गाने में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, गाना जो है फ्रिजियन मोड में शुरू होता है, गाना शायद ओरिजिनल ई फ्लैट माइनर में था। तो गाने की शुरुआत में आप देखेंगे ई फ्लैट माइनर के अलावा मैंने ई मेजर भी बजाया है, यानी कि सा जो है ई फ्लैट था और रे जो है वो ई था। इसी गाने में आप देखेंगे आगे जाके ए फ्लैट मेजर कॉर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, उस वक्त जो है गाना डोरियन मोड में परिवर्तित हो जाता है। और आप अंतरे में जाके देखेंगे कि गाना
मिक्सोलिडियन मोड में चला जाता है, यानी कि मेजर स्केल में चला जाता है, तो ई फ्लैट माइनर की जगह ई फ्लैट मेजर में चला जाता है, और आप देखेंगे कि मैंने ई फ्लैट मेजर और डी फ्लैट मेजर कॉर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो गाने में बहुत से वेरिएशंस होते हैं, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप देखेंगे कि म्यूजिशियंस जो है गाने के मूड को चेंज करने के लिए, गाने में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और आपको इन सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप ये जो मैंने लेसन्स बनाए हैं आप इनको देखें। आज का जो लेसन है माइनर स्केल्स, और इसके अलावा जो मेजर स्केल्स का लेसन है, इन दोनों लेसन्स को आप अगर देखेंगे तो आप प्राय प्राय बॉलीवुड के जितने पॉपुलर गाने उनमें जितने स्केल्स यूज़ किए गए हैं उनका आपको ज्ञान हो जाएगा। और भी बहुत से स्केल्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं, कोशिश करूँगा उन पर भी एक दिन लेसन बनाऊँ। तो लेसन ख़त्म करने के पहले फिर से एक बार मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक और लेसन पोस्ट किया था मेजर स्केल्स पर, आप उस लेसन को देखें और इस लेसन को देखें। मैं चाहता तो एक लेसन में बना देता, लेकिन लेसन का जो लेंथ है वो इतना लंबा हो गया, मुझे अलग करना पड़ा। तो मेजर स्केल में और माइनर स्केल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेजर स्केल में गा शुद्ध होता है, माइनर स्केल में गा कोमल होता है, यानी कि जो आपका टॉनिक नोट है उस पर जो कॉर्ड बना हुआ है वो मेजर स्केल्स में मेजर कॉर्ड है, और जो माइनर स्केल्स में माइनर कॉर्ड है। तो आज के लेसन में जो आप देखेंगे जितने भी स्केल्स हैं इन सबको बांध के रखने वाला जो कॉर्ड है जो टॉनिक नोट पे बना हुआ है वो था सी माइनर। आप चाहे डी माइनर में बजाएं, एफ माइनर में बजाएं, जिसमें भी बजाएं, जो टॉनिक नोट पे जो माइनर कॉर्ड है वो इन स्केल्स को बांधे रखता है, और इन पे जो गाने बने हैं उनमें जो है बार बार जो है गाना जो है उसी कॉर्ड की ओर खींचा चला जाता है। जिस तरह से मेजर स्केल्स में जो टॉनिक नोट पे मेजर कॉर्ड बना हुआ है वो गाना जो है बार बार उसी कॉर्ड की ओर चला जाता है। लेकिन आपको ऐसे बहुत से गाने मिलेंगे जिसमें गा शुद्ध से कोमल और कोमल से शुद्ध बार बार चेंज होते रहता है। मैंने एक लेसन पोस्ट किया था मेरे नैना सावन भादो, वैसे तो राग शिव रंजनी में आधारित है, लेकिन आप देखेंगे गाने में कई बार जो है गाना सी माइनर से सी मेजर में चला जाता है, फिर वापस सी माइनर में चला आता है। तो ये म्यूजिशियंस पे डिपेंड करता है, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और गाने में मूड चेंज करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह आप मुझे अपने सवाल भेजें, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।